नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिमा अस्पताल ने लेबर रूम की जगह ड्रेसिंग रूम में महिला की करा डिलीवरी, बनाया उसका वीडियो। लाइमस्टोन की 17 किलोमीटर की खदान में वन विभाग लगाएगा हरे भरे जंगल, बीएसपी से की एनओसी की मांग। पावर लिफ्टिंग में 10 राज्यों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, कोरोना के कारण 3 दिवसीय प्रतियोगिता एक दिन में हुई संपन्न। बाबा बालकनाथ मंदिर में होने वाले महाभंडारे पर हुआ कोरोना का असर, 21 मार्च को नहीं होगा महाभंडारा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। महिला की प्रसव वेदना का वीडियो बनाना कानूनन अपराध है, लेकिन उतई के महिमा अस्पताल ने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है। जब भाई ने इस घटना को लेकर जिलाधीश, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की तो उसे धमकी भी मिली। उतई क्षेत्र में संचालित महिमा हॉस्पिटल में 21 जनवरी को उतई के इंदिरा नगर निवासी धात्री साहू महिला प्रसव पीड़ा में डिलीवरी कराने पहुंची। अस्पताल ने महिला की डिलीवरी लेबर रूम की जगह ड्रेसिंग रूम में करवाई। ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगा था, ड्रेसिंग रूम के साथ साथ लेबर रूम में भी कैमरा लगा हुआ था। महिला की प्रसव वेदना और होने वाली डिलीवरी की वीडियो बनाकर महिमा अस्पताल का संचालक टीआर यादव क्या कहता है? पूरा मामला किस बात की शिकायत को लेकर के आ जाता है? एक्चुअली मैम, 21 तारीख को हुआ ये कि 21 तारीख को हुआ ये कि मेरी मैडम, मेरी यहाँ बहन है, उसकी डिलीवरी हो रही थी, है ना। तो वहाँ पे मैंने देखा कि डिलीवरी के लिए कोई स्पेशल नर्स नहीं थी वहाँ पे, वो मैडम की मतलब सर की वाइफ थी, जिनके पास मुझे लगता है, मुझे ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उन्होंने डिलीवरी निपटाया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि डिलीवरी अच्छा निपटा। सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि वार्ड में कैमरा लगा हुआ था, वार्ड में कैमरा लगा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब मैंने जानकारी बस देखना चाहा ऐसी, जब मैं चला गया जहाँ पे वो लिखा हुआ था ड्रेसिंग रूम करके, वहीं पर डिलीवरी निपटाया था, तो मैंने अंदर देखा कि वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था, जो कि यदि आप डिलीवरी निपटा रहे हो तो वहाँ पे कैमरा नहीं लगा होना चाहिए। इसके लिए मैंने बात की थी वहाँ के संस्थापक को, लेकिन उनसे मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने पुलिस को भी लेटर दिया है, क्या कार्रवाई हो रही नहीं हो रही, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने एक बार मीडिया से संपर्क करना चाहिए। किस हॉस्पिटल का ये मामला है? महिमा हॉस्पिटल का मामला। कौन से थाने में आपने शिकायत? मैंने पुलिस अधीक्षक दुर्ग में शिकायत की है, फिर CMO में शिकायत की है, कलेक्ट्रेट को भी दिया था मैंने लेटर। हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से आपने बात की, इस बात का विरोध वहां पर जताया आपने कि यहां पर कैमरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? जी, मैंने बात का विरोध जताया, वहां के जो संस्थापक है TR यादव जी, मैंने उनसे बात की है, और लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा हॉस्पिटल बुलाने की कोशिश की, तो हॉस्पिटल जैसे कि मैं जाता हूँ, मुझे डर है कहीं किसी वो चीज में और मुझे फंसा सकते हैं, इसलिए मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया। यदि उनको बात करना है तो बाहर कहीं पे भी बात करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन वो कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि कैमरा लगाया था और कैमरा को उसने निकाल भी दिया। ये हम लोग CMO जब जांच कर रहे थे, है ना, संजय सर कुछ आए थे, तब मैंने देखा कि वहाँ पे निकाल के नया ऑल आउट वाला फोल्डर लगा दिया है, है ना, वो कैमरा निकाल दिया अभी के डेट में, है ना। उस दिन तो लगा हुआ था, मेरे पास उसकी फुटेज भी है कि कैमरा लगा हुआ था घर, और सर ने भी खुद का बोला है। लगभग 25 तारीख को मैंने जब बात किया था तो मैंने बोला था कि देखो तो बस कैमरा लगा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चीज़ को वायरल करूँगा, ये करूँगा, ऐसा मेरा जरा भी मेरे अंदर भावना नहीं है, है ना। वो मेरे पास रहता है, उसका रिमोट मैं ही सेंसिंग करता हूँ, कोई देखता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। करा हुआ तो है ना, क्योंकि वो भी मेरी बहू है यार, और इतने दिन से हम लोगों का संबंध है, ऐसा आपको मत सोचो, ऐसा मन में कुछ होगा तो डाउट मेरे को बताओ। लेकिन जनरली क्या है, जो भी जो रहता है नॉर्मल डिलीवरी वगैरह में, वहाँ पे कैमरा नहीं लगा होता, इतना रूल रेगुलेशन तो मुझे भी पता है ना। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो ना,
वो उस समय आपको जरूर लग रहा है बेटा, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होता। आप देखो मेरे चेम्बर में ही लगा, किसी जगह पे नहीं लगा है वो, और वो भी हम लोग आपको ऐसा लग रहा, इस चीज को मानता हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ नहीं लगा होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए सर। किसी भी नहीं बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ऐसा लग रहा है, आप मेरे हॉस्पिटल में आके बिना कुछ भी नहीं है, आप घर के आदमी आके देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन और बाकी जगह आपको घुसने का परमिशन नहीं बेटा, सब जगह लगा होता है, लेकिन सर देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं भी हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर रहा हूँ, उस दिन हम लोग अपने सर को भी बोले है ना कि सर यहाँ पे आप कैमरा लगा रहे हो ऐसा कर, तो उन्होंने साफ साफ किया यार हमारा तो वैसा काम है ही नहीं, और यदि किसी को लगता है कि वहाँ पे है तो वहाँ पे हम लोग पर्दा की भी व्यवस्था करेंगे करके, तो वहाँ पे आज पर्दा भी लग गया है ना। नहीं नहीं बेटा, आई चेकअप का होता है। नहीं नहीं आपका कहना ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, आपकी सिस्टर है तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे तरफ से मैं तो सभी के लिए, मेरी सिस्टर है ऐसी बात नहीं, मैं सभी के लिए, मैं सभी के लिए सीरियस हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए सीरियस हूँ। हम लोगों का बेटा शुरू से लगा हुआ है कैमरा। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। वो तो एक तो एकदम कन्फर्मेशन है ना सर कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर वार्ड में तो लगता नहीं है दोनों चीजें है ना। और आपको यदि आपके पास जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो आपको बोलना था कि हम लोग डिलीवरी यहाँ नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ, तो ये इंडिकेट करना था आपने, जहाँ पर ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे आपने किया है। पहली पहला तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं बेटा, वो ड्रेसिंग रूम और लेबर रूम दोनों का काम, इसलिए उस समय हम ऊपर नहीं ले जा सकते उस समय, क्योंकि पेन उसका बहुत सीवियर पेन आया था, उस समय हम लोग कराना पड़ा, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता बेटा कि हम लोग कि उसको सार्वजनिक जगह करते हैं। अगर कैमरा ऐसा लगा हो तो आप मेरे तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ना कहीं भी होगा ना। और सुबह सुबह बात करते हैं, अभी तो अब बीच में आया हूँ, खाना वाना खा के थोड़ा है ना, तो बात करते हैं सुबह जो भी है वो। ठीक ठीक। डॉक्टर की उपाधि पाकर मरीजों का इलाज करने की बजाय उनकी डिलीवरी का वीडियो बनाने वाले टीआर यादव को ड्रेसिंग रूम और लेबर रूम में कैमरा लगाने की अनुमति किसने प्रदान की, यह भी एक जांच का विषय है। तोयेश के आवेदन पर उतई थाने की पुलिस जांच में पहुंची, तो वहां पर पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने कहा कि कैमरा तो लगा है लेकिन बंद है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ था ना, बंद था वो, तो आपके सामने बंद किया होगा। कैसे समझ गए कि कैमरा बंद था? अच्छा तो चालू कर रहा हूँ, भी ले रहे हैं क्या? कोई भी कैमरे में एक तो है क्षमता होती है, कैमरा में 30 दिन ऐसा, उसके बाद अपने आप डिलीट किया था, तो उसको टेक्निकल जांच कराएंगे कि कितना दिन उसमें स्टोरेज रहता है, कि उसमें चालू था नहीं था, कब बंद हुआ, समझ तो उसमें कॉपी तो हो सकती है, रिकॉर्ड होने के बाद कॉपी भी प्रिंटर में रख से उसकी स्टोर किया जा सकता है। सब हो सकता है, मतलब देखा जाए तो वहाँ कैमरा लगा था, कैमरा लगा था, कैमरे में खाली चालू नहीं था, कैमरा लगा था ये उसने बयान दिया। हाँ लेकिन वो कैमरा बयान ये है कि खराब था, वो कैमरे का खराब था। लेकिन सर ऐसा नहीं करता कि किसी के निजता वाले अंश को आप कैमरे में सेंड कर रहे हैं, एक प्रसव पीड़ा में चपड़ाती महिला जाती है, आपने क्या वीडियो बनाया? अच्छा वीडियो बना है नहीं बना इस संबंध में कह नहीं सकते, जो उसी वीडियो बना, वीडियो बनाना और नहीं बनाना ये वीडियो नहीं बना, कैमरा लगा है उसने 10 दिन बाद आप गए उसमें आवेदन दिया, तो आप जांच में गए, ये पता चला कि कैमरा लगा है लेकिन बंद बंद है, चालू नहीं, उसी संबंध में टेक्निकल जाँच कराएंगे उसके की, अगर उसकी जाँच होनी चाहिए, उसमें जाँच में पता चले कि कैमरा बंद है, अब वो टेक्निकल आदमी बता रहे। इस मामले को लेकर ग्रैंड न्यूज की टीम जब महिमा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर टी आर यादव नदारद थे, वहीं ड्रेसिंग रूम और लेबर रूम की जब छानबीन की तो ड्रेसिंग रूम में कैमरे की जगह बल्ब लगाने का होल्डर लगा दिया गया था, वहीं लेबर रूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को निकाल दिया गया था, लेकिन टी आर यादव ने कैमरा तो निकाला, कैमरे की वायर निकालना भूल गया, जो कि कटी हुई अवस्था में दीवार पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। उन्होंने तो एक्सेप्ट भी किया है सर, महिमा हॉस्पिटल ने जिस दिन मैं गया था ना उस दिन उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, जो सीएमओ संजय सर का मैंने कॉल भेजा ना आपको, तो उन्होंने हाँ कबूला कि हाँ हम लोगों ने डिलीवरी यहीं कराई है करके, वो तो
डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं इस बात से, आपको बस वही बताना है कि लेबर वार्ड की जगह वहाँ पे कराया है करके। वहाँ कैमरा लगा हुआ था, वो तो पुलिस वाले ही बता दिए ना कि हमको कि वो कैमरा लगा हुआ था लेकिन कैमरा बंद था, बता रहे हैं बंद कैसे था भाई, तो कैमरा उसने बोला तो ये बोल रहा बंद था, उसकी जाँच तो की नहीं गई। आपको यही बोलना था, बैठे बैठे बता दीजिए आप इस चीज को। मैं डरने वाला और कुछ करने वाला कोई बात है ही नहीं, जो हुआ नहीं देखा तो नहीं देखा, हमने तो हम तो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कर ही नहीं रहे, कैमरा नहीं देखा नहीं देखा, दर्द से परेशान थी नहीं देखा नहीं देखा। सीसीटीवी के मामले को लेकर जिला चिकित्सालय में पदस्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि लेबर रूम और ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगाना कानूनन अपराध है, यदि ये सही पाया गया तो नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द हो सकता है और आरोपी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। किसी भी नर्सिंग होम में प्रसूता कक्ष में कैमरा लगाने की इजाजत है क्या? प्रसूता कक्ष में तो लगता ही नहीं भाई, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में उतई का महिमा नर्सिंग होम, वहाँ के प्रसूता कक्ष में ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगा हुआ था और 21 फरवरी को एक महिला की डिलीवरी कराई गई कैमरे के अंतर्गत। ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रसूता कक्ष नहीं होगा, ओटी हो सकता है, ओटी नहीं, प्रसूता कक्ष का रहता। बाकी प्रसूता कक्ष में तो अलाउ नहीं है, कैमरे के अलाउ नहीं है। ड्रेसिंग रूम में अलाउ है? ड्रेसिंग रूम में कर सकता है, ड्रेसिंग रूम में अलाउ रहेगा, वो कर सकते हैं। तो क्या ड्रेसिंग, बाकी प्रसूता वहाँ ड्रेसिंग रूम में थोड़ी करेगा? ड्रेसिंग रूम में उसने डिलीवरी कराई? नहीं गलत है, हो सकता है इमरजेंसी में हो गया, वो बात अलग है, बाकी उसको अलाउ नहीं रहता प्रसूता कक्ष में। अगर ऐसा पाया जाता तो क्या होगा? ऐसा पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसने शायद आपको भी, उसके भाई ने, पीड़िता के भाई ने भी लेटर दिया है जांच की, तो इस साहू ने एक महीने से ऊपर हो गया उसमें कुछ कार्रवाई की है? उसमें जांच की कार्रवाई कर रहा है, समिति बनी हुई है। कौन सी समिति बनी था? हमारे डॉक्टर का टीम रहता है नर्सिंग होम एक्ट में, तो जाँच कर रही होगी उसमें। तो ये कब तक हो जाएगी कार्रवाई उसमें? उसमें तो हम लोग जनरली 7 से 15 दिन का टाइम देते हैं, तो उस पीरियड में आ जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ होगा निश्चित कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई होने की स्थिति में क्या होता है नर्सिंग होम के एक्ट के तहत? शासन का कोई एक्ट बना होगा इस तरह से? हाँ, वो तो पेनाल्टी है, पेनाल्टी के बाद भी अगर सुधरते नहीं हैं तो नर्सिंग होम एक्ट बंद करने का कार्रवाई की जाती है। नर्सिंग होम एक्ट बंद करने का? हाँ, उसका उल्लंघन होता है नर्सिंग होम एक्ट का, तो उसमें बंद करने की कार्रवाई की जाती है, नोटिस दिया जाता है उनको 1 महीने के अंदर उसका जवाब दे, अगर उसमें भी कार्रवाई नहीं होता है तो पेनाल्टी और बढ़ता है और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। महिला की प्रसव पीड़ा का वीडियो बना उसे विदेशी साइट में अपलोड करने का अन्य राज्यों में भी एक मामला सामने आया है, जिससे एक मोटी रकम वसूली जाती है। एक मामला राजनांदगांव का भी सुर्खियों में रहा। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू ये है कि किसी भी महिला की प्रसव वेदना का वीडियो बनाना और उसे बेचना धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को शोभा नहीं देता। एक भाई ने सिर्फ अपनी बहन को लेकर नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाई है ताकि उन्हें कभी भी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में अब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने बायोडायवर्सिटी वाले जंगलों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस से लाइमस्टोन पत्थर निकाले जाने के बाद अब वह जगह एक खदान की तरह हो गई है। वहीं आसपास पेड़ पौधे होने के कारण जीव जंतु वहां पाए जाते हैं, जिसे लेकर अब 2500 एकड़ वाले नंदिनी माइंस को एक अभ्यारण का रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर दुर्ग डीएफओ ने बीएसपी प्रबंधन से एनओसी की मांग की है। दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र में नंदिनी माइंस में लाइमस्टोन समाप्त होने के कगार पर है। लगभग 50 वर्षों के खनन के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अब यह भूमि बेकार हो चुकी है, लेकिन लाइमस्टोन समाप्त होने के बाद अब इस जगह को अब एक अभ्यारण के रूप में डेवलप करने की तैयारी दुर्ग वन विभाग ने की है। इसके लिए लगभग 17 किलोमीटर के एरिया की फेंसिंग की जाएगी। खनन के कारण इस क्षेत्र में कई खदान है। बेसिकली दुर्ग जिला में जो वन का घनत्व है वो पूरे राज्य में सबसे कम है और बहुत ही कम संख्या में वन पूरे जिले में उपस्थित है, तो इसको देखते हुए वन विभाग द्वारा एक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा नंदिनी अहिवारा क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी संख्या में खदान बीएसपी द्वारा संचालित की जा रही थी,
और इसके अलावा वहाँ पे जलस्तर का भी इशू रहता है, तो उसको देखते हुए एक फॉरेस्ट का पैच और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क निर्माण करने के लिए एक प्रपोजल हम लोगों ने बीएसपी को भेजा है। इसमें हमारे केवल उनसे एनओसी अपेक्षित है, जो सीईओ बीएसपी से चर्चा हुई है और अपेक्षा है कि शीघ्र ही हमें वो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इसमें मुख्य रूप से क्योंकि उस क्षेत्र में जो वन का अस्तित्व नहीं है, एक फॉरेस्ट ट्रेल डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो उस क्लाइमेट को सुटेबल है, उस प्रकार की प्रजातियां विकसित की जाएगी। जो खदानें हैं जो बंद पड़ी है, उनको वाटर बॉडी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जिसमें पानी भरे हैं वही जंगल व पानी की उपलब्धता होने के कारण चीतल, हाइना व रेप्टाइल्स प्रजाति के जीव, कई प्रजाति के यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। जलाशयों में भरे पानी यहाँ आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंदिनी जो माइंड आउट एरिया है, लगभग 2500 एकड़ का ये एरिया है, काफी बड़ा एरिया है और उसमें माइनिंग, इनका लाइमस्टोन की माइनिंग होती है। तो उस क्षेत्र में अभी क्योंकि माइनिंग लगभग जो खत्म होते जा रहा है, तो उस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बायोडाइवर्सिटी विकास कैसे वहाँ पे हो सकता है, इसके लिए हमने पूरा एक प्रपोजल जो है बनाया है और उसको हमने बीएसपी प्रबंधन को हमने जो है एनओसी के लिए लिखा है। तो हमारे दुर्ग और भिलाई, मतलब दुर्ग जिले के लिए और खास मतलब इवन हमारे राज्य के लिए भी बहुत बड़ा जो है अभयारण्य के रूप में डेवलप हो सकता है। जी, किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह से लोग उसमें डेवलप किया जाएगा, पेड़ पौधे या फेंसिंग? हाँ, इसमें अभी प्राथमिकता हमारी है कि उसमें 17 किलोमीटर की फेंसिंग की जाएगी, क्योंकि वो काफी क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में वन्य प्राणी अभी भी जैसे कुछ जो है हाइना है और आपके चीतल है और दूसरे जो जो रेप्टाइल्स प्रजातियां है उसमें पाई जाती है काफी मात्रा में, बर्ड्स भी वहाँ पे है, पक्षी भी है। तो एक काफी बड़ा इको पर्यटन के रूप में वहाँ पे वो डेवलप हो सकता है। पानी की भी वहाँ पे उपलब्धता है, काफी सुंदर वहाँ पे जलाशय भी है। तो अपने नगरवासियों के लिए, जिले के लिए और राज्य के लिए बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो सकता है। वन विभाग ने इसके लिए बीएसपी प्रबंधन ने एनओसी की मांग की है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र इस पर सकारात्मक रूप से पहल कर रहा है। अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 जूनियर, सीनियर एवं मास्टर महिला पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें 10 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी KS चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप के जूनियर, सीनियर एवं मास्टर महिला पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा व झारखंड राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मीडिया प्रभारी KS चौहान ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल प्रतिभा अनुशासन में रहने की सीख देती है और सभी खिलाड़ियों ने अनुशासन में रहते हुए बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया और विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। बाइट KS चौहान, मीडिया प्रभारी BJP। फिलहाल 3 दिवसीय कार्यक्रम को छोटा रूप देते हुए एक दिन में ही संपन्न करे जाने की अनुमति प्रशासन द्वारा संचालकों को दी गई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये तय किया था, जिसका संचालकों और आयोजन समिति ने पालन किया। मैं सर्वप्रथम हमारे कलेक्टर साहब भूरे साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने 3 दिन के प्रोग्राम को एक दिन के प्रोग्राम करने की अनुमति दे दी इस COVID-19 के पीरियड में, और आयोजकों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, 3 दिन के प्रोग्राम को एक दिन में प्रोग्राम पूर्ण कर दिया। और सभी विजेताओं को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ जिन्होंने पदक जीते, जिन्होंने शील्ड जीती। और ये जो नेशनल पावर लिफ्टिंग का चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व था। कोरोना काल का असर बाबा बालकनाथ प्रभात फेरी में भी देखने को मिला। हर साल 9 किलोमीटर निकलने वाली प्रभात फेरी 3 किलोमीटर के अंतराल में ही सिमट कर रह गई। वर्षों से लगातार निकल रही बाबा बालकनाथ की प्रभात फेरी पर इस साल कोरोना का असर देखने को मिला। खुर्सीपार स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर समिति हर साल 21 मार्च को बाबा के महाप्रसाद भंडारों का आयोजन करती है। महाप्रसाद वितरण के 2 दिन पूर्व सुबह प्रभात फेरी, उसके बाद दूसरे दिन हवन और तीसरे दिन महाप्रसाद भंडारों का वितरण किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शुक्रवार को निकाली प्रभात फेरी महज 3 किलोमीटर में ही मट गई। वहीं 21 मार्च को होने वाला महाभंडारा भी शासन के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया है।
सभी प्रेमी भक्तों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। प्रशासन का सख्त निर्देश था कि कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मंदिर में सुबह 7 बजे झंडा फेरी निकाली गई और हम मंदिर कमेटी ने सभी को मास्क वितरण किया, सैनिटाइज किया और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जो मात्र पहले 9 किलोमीटर निकलती थी, इस वर्ष कोविड के कारण केवल 3 किलोमीटर में ही सिमट गया और सभी लोग जयकारे लगाते हुए मंदिर में वापस आ गए 8 बजे। इस बार करीब लगभग आधी संख्या रह गई कोविड के कारण, और कुछ हम लोगों ने मंदिर कमेटी ने विशेष प्रचार प्रसार नहीं किए कोविड के कारण, इसलिए जो स्वयं में अपने भक्त जन थे वो मंदिर पहुँचे। प्रति वर्ष जो रविवार को 21 मार्च को भंडारा होने वाला था, महाभंडारा, उसे कोविड के कारण और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार उसे स्थगित किया गया है। सभी भक्तों को हम ये निवेदन करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ मंदिर में प्रवेश ना करें। मंदिर भक्तों के लिए खुला रहेगा, लेकिन भंडारा स्थगित किया गया है और बाबा जी का आशीर्वाद लेके, प्रसाद लेकर के, कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने आशीर्वाद लेके बाबा जी का घर की ओर प्रस्थान करेंगे। शुक्रवार की सुबह 6 बजे निकाली प्रभात फेरी में शासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए भक्तगणों को पहले सैनिटाइज किया गया। वहीं जिन भक्तगणों के पास मास्क नहीं था उन लोगों को मास्क भी वितरित किया गया। वहीं 21 मार्च को बाबा का दरबार उनके भक्तगणों के लिए खुला रहेगा, लेकिन महाप्रसाद भंडारों का आयोजन नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जिला भाजयुमो ने दुर्ग के साइंस कॉलेज के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 500 से भी ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर एक बार फिर भाजयुमो ने मोर्चा खोला है। प्रदेश स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लेते हुए जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन व राहुल देवान के नेतृत्व में दुर्ग के साइंस कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहीं। आपको बता दें कि पीएससी के मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में आक्रामक रूप ले लिया है और अब प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू के आह्वान पर पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों व मंडल में 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया गया है। पटरी पार आयोजित साइंस कॉलेज के समीप चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। आयोजन को लेकर जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन और कार्यक्रम प्रभारी राहुल दीवान ने प्रमुख जानकारियों से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में जो और 20 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, इस परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली हुई थी। इस विषय को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में उठाया था और लगातार इस विषय पर आंदोलन कर रही है, और उस आंदोलन का नतीजा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच बैठाया और जांच में इस बात को भी सिद्ध पाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन इस गड़बड़ी में कौन लोग शामिल थे और कितने बड़े लोगों का हाथ है, इस विषय को सरकार ने दबा दिया है। और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में सभी जगह कॉलेजों के सामने युवाओं के भविष्य के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किया है और 3 दिनों तक लगातार हस्ताक्षर अभियान चलेगा। आज दुर्ग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा साइंस कॉलेज के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भागीदारी निभाया है। ताले हो रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में 28 शिक्षा केंद्र की तत्काल घोषणा की जाए, ये पहली मांग है। दूसरा, कार्बन कॉपी की प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक स्टूडेंट को साथ में कार्बन कॉपी दी जाए और माइनस मार्किंग है या नहीं इसकी भी उनको जानकारी पहले से दी जाए। CGPSC आता है बाद में अपने हिसाब से नई घोषणा कर देता है, चेंजेस कर देते हैं। साल में जो पिछले साल दो साल पहले जो हुए थे उसके रिजल्ट आज तक नहीं आए, आज तक उसके रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन मांगों को लेकर के हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, पूरा प्रदेश भर में चल रहा है। इस हस्ताक्षर अभियान को लेकर के हम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने जाने वाले हैं।
फिलहाल हस्ताक्षर अभियान के दौरान उत्तम साहू मंडल अध्यक्ष, अनुपम मिश्रा, चंद्रकांत साहू, कृष्णा सिंह सहित अन्य भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमे से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी है। विगत एक वर्षों से कोरोना महामारी का दंश पूरा विश्व झेल रहा है। इस महामारी काल में प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, लेकिन अब ऑफलाइन परीक्षा को लेकर जो विश्वविद्यालय ने गाइडलाइन जारी की है उसके खिलाफ छात्र नेताओं ने बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशम दत्ता के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंप ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। कोरोना महामारी दिन ब दिन हमारे जिले में बढ़ते जा रही है और साल भर जहां पर कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लिया गया है और अभी इस समय वो बोल रहे हैं कि ऑफलाइन में परीक्षा होगी, जो कि सरासर नाइंसाफी है छात्रों के साथ और उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ पर दूसरे जिले के बहुत सारे बच्चे हमारे ज़िले में पढ़ने आते हैं और इस समय जहाँ पर कोरोना अपने हाई उसमें है, उस समय अगर कोई कोरोना संक्रमित बच्चा क्लास में आके पेपर देता है, अगर उससे कई छात्रों को अगर फैलती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगी? तो इसी को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं, जो कि राज्यपाल जी को दिया जाएगा कलेक्टर जी के द्वारा। तो इसी के साथ आज हम सब युवा मोर्चा के साथी सब यहाँ पर क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा हो। ऑनलाइन परीक्षा की मांग पूर्व में NSUI छात्र संघ द्वारा की गई थी। शुक्रवार को भाजयुमो ने भी इसकी शुरुआत कर दी। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पहले चरण का टीकाकरण अभियान संपूर्ण होने के बाद अब दूसरे चरण का टीकाकरण कार्य फिर से प्रारंभ हो गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इस कोविड का टीका लगाया गया, तो वहीं इस पहले राउंड के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण पर बालोद जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, तो ओवरऑल टीकाकरण में बालोद जिला तीसरे स्थान पर रहा। अभी जैसे चल रहा है कोरोना महामारी चलते हुए टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैं अभी टीका लगाने के लिए आया हूँ जिला अस्पताल बालोद में। तो अभी जैसे लगाया मैं सेकंड डोज, उसके बाद लगाने के बाद मेरे को अच्छा फील हो रहा है और आगे मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे जो लोग भी लगाए उन लोग भी टीकाकरण लगाए, ताकि जो ये महामारी से कोरोना महामारी से बच सके। जिसके बाद अब फिर से एक बार इस टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस टीकाकरण अभियान में पहले चरण के टीका लगने के बाद द्वितीय चरण का टीका लगाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो पहले चरण के टीकाकरण में उन्हें या अन्य लोगों में भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। कोरोना वैक्सीन से बचने के लिए टीकाकरण अभियान जो चल रहा है कारगर सिद्ध हो रहा है। इस बारे में पहुंचे और टीकाकरण प्राय सभी को लगवाना है। वहीं इस टीका को पूरी तरह से सुरक्षित बताते हुए कोरोना से बचाव को काफी लाभकारी बताया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए जितेंद्र दास मानिकपुरी की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में 2005 में निर्माण किया गया जिम वर्तमान में जर्जर अवस्था पर पहुंच गया है। जिम ओपन करने की मांग वार्ड के युवाओं द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन आम जनता की सुविधा और सेहत को ध्यान में रखते हुए खोले गए जिम को लेकर निगम प्रशासन सहित वार्ड के पार्षद भी गंभीर नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि लाखों रुपए की फिटनेस मशीनें ताले के अंदर बंद कमरे में पड़ी पड़ी कंडम हो रही है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने और फिटनेस को मजबूत रखने युवाओं की मांग पर नगर निगम के द्वारा जिम का निर्माण प्रत्येक वार्ड में किया गया था। इसी कड़ी में वार्ड 8 तकियापारा में भी पार्षद विल्सन डिसूजा के कार्यकाल में 2005 में जिम का निर्माण कर तमाम बड़ी मशीनों से जिम को सुसज्जित किया गया था। कुछ दिन जिम उत्तम अवस्था में संचालित रहा, लेकिन 2006 तक जिम का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता गया। नतीजा यह निकला कि आज लगभग 10-15 सालों से जिम बंद पड़ा है और जिम के अंदर रखी सभी मशीनें भी जर्जर अवस्था में है। वर्तमान में वार्ड के युवकों ने जिम को ओपन करने की मांग पार्षद से की है और जिम को पुनः खोलने निगम से राशि भी वर्तमान पार्षद द्वारा प्राप्त करने की बात लगातार कही जा रही है। बावजूद इसके अब तक जिम को खोलने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया, जिसे लेकर जिला कांग्रेस महामंत्री सैयद सैफ ने अब सवाल उठाए हैं। ये जिम जो है 2005 के बाद से बंद पड़ा हुआ है। इसके पहले हमारे वार्ड के पार्षद विल्सन डिसोजा जी थे, जो जिनके कार्यकाल में यह जिम खोला गया था और युवाओं की मांग पर। उसके बाद 2006 से जिम धीरे धीरे लोगों को देखभाल नहीं कर पाए, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद से फिर युवाओं ने मांग की पार्षदों से, उस समय
अब्दुल गनी जी पार्षद थे, उसके बाद तरन्नुम कुरैशी पार्षद हुई, तो मांग की गई जिम खोला जाए और आज भी मांग की जा रही है युवाओं की कि जिम खोला जाए, लेकिन जिम आज तक के खुला नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हमारे आदरणीय अब्दुल गनी जी ने बताया कि ये जिम के लिए संधारण के लिए 1,50,000 रुपया स्वीकृत किया गया है, जो जिम के कार्य अभी जो टूट फूट हुआ है उसे बनाया जाएगा मरम्मत के लिए, तो कार्य में अभी तक तो नज़रअंदाज किया जा रहा है, जहाँ तक के अब निगम के कारण किया जा रहा है कि किस कारण किया जा रहा है, ठेकेदार में सुस्ती बता रहे हैं वो एक बात का मैटर है, लेकिन आज युवाओं की मांग ये है कि जिम जल्द से जल्द खोली जाए। फिलहाल लाखों रुपए खर्च कर खोला गया जिम रखरखाव के अभाव में जर्जर अवस्था में पड़ा है और वार्ड पार्षद की अनदेखी के चलते लाखों की मशीनें भी कंडम हो रही हैं। अच्छा होगा जिम को खोलने की दिशा में पुनः विचार किया जाए, जिससे वार्डवासियों को जिम का लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम में हो रहे विकास कार्यों में हिस्सा बनाने के लिए भिलाई नगर निगम ठेकेदारों ने निगम आयुक्त से मिलकर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया की मांग की। छत्तीसगढ़ शासन रिसाली नगर निगम में विकास की गंगा बहा रही है। इसी कड़ी में विकास कार्यों को लेकर शासन ने जो राशि स्वीकृत की है, उस राशि को लेकर विकास कार्यों की निविदा टेंडर प्रक्रिया होगी। इसी प्रक्रिया को लेकर भिलाई नगर निगम के ठेकेदारों ने आयुक्त से मिलकर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया कराने की मांग की। हमारी मांग ये थी कि शासन के द्वारा नगर निगम पालिक रिसाली को जो राशि दी गई है, जिसके अंतर्गत रिसाली नगर निगम के द्वारा ओपन टेंडर के ही प्रकाशन किया गया है, हम ये चाहते हैं कि उपरोक्त जो टेंडर है, निविदा है, वो बिल्कुल ओपन किया जाए और सभी ठेकेदारों को उसमें सामान्य रूप से भाग देने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे द्वारा जो रसीद एप्लीकेशन निविदा के लिए जो रसीद दी वो दी जा रही है, एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे ठेकेदारों का अधिकार का हनन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार करें और सभी ठेकेदारों को ओपन निविदा के अंदर में भाग लेने का अधिकार मिले। हम आयुक्त महोदय से यही निवेदन करते हैं, हम सभी ठेकेदारों का समान रूप से अधिकार है निविदा में, सभी ठेकेदारों को निविदा में भाग लेने का अधिकार मिले। हम आपसे यही विनती करते हैं कि उसको आप अपने पद का उपयोग करते हुए समान अधिकार देने का कष्ट करें। यादव संघ मित्र कल्याण मंडल आगामी 21 मार्च को ग्राम दमोदा में प्रदेश स्तरीय 16वां योद्धा नर्तन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। एक दिवसीय आयोजन में विभिन्न तरह के अखाड़ा और योद्धाओं के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिसकी जानकारी पत्रकारों को देने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हनौदा में 16वें एक दिवसीय योद्धा नर्तन आयोजन की जानकारियों से पत्रकारों को अवगत कराते हुए कार्यक्रम के सांस्कृतिक सचिव राकेश यादव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति भी सर्वमान्य होगी। एक दिवसीय आयोजन में यादव संघ मित्र कल्याण मंडल के द्वारा बीते कई वर्षों से योद्धा नर्तन का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी संघ के द्वारा उत्साहपूर्वक योद्धा नर्तन कार्यक्रम ग्राम दमोदा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र यादवी शौर्य, पारंपरिक स्पर्धा राउत नाचा और विभिन्न प्रकार के अखाड़ा और योद्धाओं का प्रदर्शन व तलवार बाजी प्रमुख होंगे। जैसा कि विगत वर्षों से यादव संघ मित्र कल्याण मंडल के तत्वाधान में राउत नाच आधुनिकी योद्धा नर्तन का कार्यक्रम कराया जा रहा है। विगत वर्ष वर्तमान वर्ष में भी उत्साहपूर्ण तरीके से यादव संघ मित्र कल्याण मंडल के तत्वाधान में राउत नाच महोत्सव का आयोजन ग्राम दमोदा में 21 मार्च को रखा गया है, जिसमें आप सभी धर्म स्वावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एवं रामकली यादव जी विशेष अतिथि में आमंत्रित हैं, और श्रीमती शालिनी यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष, वो भी उद्घाटन समारोह में। कितने दिन का आयोजन है ये? एक दिवसीय आयोजन है। भिलाई नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने नेहरू नगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में छापामार कार्रवाई करते हुए बार को सील किया। भिलाई निगम क्षेत्र के करीब दर्जनों रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बारों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है और समय समय पर निगम की टीम इन अवैध हुक्का बारों में कार्यवाही भी करती आ रही है। बावजूद इसके अवैध हुक्का बार का संचालन करने वालों के द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुए हुक्का बारों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने नेहरू नगर स्थित मोक्ष और ब्लैक डोर रेस्टोरेंट में अवैध रूप से संचालित हुक्का बारों में
छापामार कार्यवाही की। निगम कार्यवाही के दौरान हुक्काबार संचालकों में हड़कंप मच गया और वे इधर उधर मुंह छुपाते नजर आए। कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में मादक पदार्थ और अन्य सामग्रियों को भी जब्त किया गया। हुक्काबार में हुई कार्यवाही को लेकर जोन वन के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने विस्तृत जानकारियों से अवगत कराया। इसके पूर्व भी जोन एक से हम लोगों ने हुक्काबार के संचालन को लेकर कार्रवाई की थी और जो भी हुक्का बार संचालित हो रहे थे उनको सील करने की कार्रवाई किया था। जोन एक की कार्रवाई का ये परिणाम रहा कि फैट क्लब आज तक हम लोगों ने अभी उसको चालू हमने नहीं किया है और वो सील है। लेकिन इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई संस्थान द्वारा चोरी छिपे रूप से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। कल औचक रूप से टीम ने कार्रवाई की है कमिश्नर साहब के आदेश पर और कलेक्टर साहब के निर्देश पर जोन एक की टीम ने इसमें अभियान चलाया है और हवेली जो रेस्टोरेंट है केपीएस चौक के पास में और ट्रेजर सूर्या मॉल पर जो दो मोक्ष जो अब कोहिनूर हो गया है और ब्लैक जैक ये दो कैफे को हम लोगों ने कल वहाँ पर कार्रवाई की निरीक्षण किया तो अवैध रूप से हुक्का का संचालन पाया गया और इसमें हम लोगों ने जब्ती की है पॉट्स जब्ती किए हैं और उसको सुपुर्दगी वहाँ दिया गया है और उसको सील करके हम लोगों ने उसकी सुपुर्दगी में ले लिया है। इस पर आगे टोबैको एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो उनका जो गुमास्ता और फूड लाइसेंस है उसको निरस्तीकरण के लिए हम हेड ऑफिस प्रकरण को भेज रहे हैं। जोन का ये जो अभियान है ये आगे और भी कंटिन्यू जारी रहेगा और औचक रूप से जितने भी यहाँ हुक्का बार है उन पर हम लोग निरीक्षण की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल भिलाई क्षेत्र में निगम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही के बाद भी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से हुक्का बारों का संचालन होना कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण की ओर इशारा करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।